बरबसिया स्थित शिव शक्ति घाट छठ पूजा समिति की ओर से मंगलवार को भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। छठ पूजा के सफल आयोजन के बाद यह भंडार आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। बताया गया कि शिव शक्ति घाट छठ पूजा समिति अपना 25वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर नदी में सूर्य भगवान की प्रतिमा भी स्थापित की गई थी और इसी के उपलक्ष्य में समिति ने निर्णय लिया कि सभी श्रद्धालुओं के लिए एक भंडारे का आयोजन किया जाए। इसी क्रम में यह भंडारा आयोजित किया गया। इस भंडारे में मुख्य रूप से डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ समेत कई खासों आम ने प्रसाद प्राप्त किए। यहाँ इस आयोजन की सफलता में संजीत कुमार सिंह, रंजीत सिंह, संजीत कुमार पप्पू, राकेश कुमार सिंह, महेश कुमार सिन्हा, सुधीर सिन्हा, कन्हैया, दीपक सोनू, विवेक विक्रम, विजय गुप्ता, अमित चंदन, गौरव आशुतोष, विकास सिन्हा और सभी शिव शक्ति घाट छठ पूजा समिति के सदस्य लगे हुए थे। शिव शक्ति घाट का 25वां वर्षगांठ मनाया गया। इस बार छठ पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाया गया और हजारों की भीड़ इस घाट पर आती है। सबसे बड़ी विशेषता जो इस घाट की रही, एक तो पुल का निर्माण किया जाता है जो देखने लायक होता है, और दूसरा जलीय सूर्य मंदिर का भी स्थापना नदी में किया गया, घाट पर किया गया। यह भी एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहा और रात में जो लाइटिंग की व्यवस्था थी उसको देखने के लिए शहर के हजारों लोग शहर से और उमड़ पड़े। और छठ पूजा के उपरांत आज भंडारे का भी आयोजन किया गया है। इसी भंडारे में भी हजारों लोगों ने और प्रसाद पाया और अभी भंडारा हमारा चल ही रहा है और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि और भी इससे भी ज़्यादा भव्य रूप में और छठ पूजा यहाँ मनाया जाएगा। मैं घाट के समिति को और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा व्यवस्था की। छठ समापन के बाद आज शिव शक्ति घाट में सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा मिलके भंडारे का आयोजन किया गया और जिसमें पूरे इस इलाके के लोगों ने भंडारे में अपना सहयोग भी दिया और सभी ने आज भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। सभी बहुत खुश हैं कि ये भंडारे का प्रसाद हम लोग पाके बहुत शुभ भगवान का प्रसाद मिल गया। इसके लिए सभी आह्लादित हैं, खुशी हैं और हर साल हम लोग जो है इसी तरह से छठ पूजा और उत्साह से मनाएंगे, इसका हम सबों ने रंग लिया। समिति इस वर्ष अपना 25वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर हम लोगों ने नदी में सूर्य मंदिर का भी तो सूर्य की प्रतिमा की स्थापना की थी। इसी उपलक्ष्य में हम लोग आज सो यहाँ पर भंडारा का एक भंडारा की का रखे हैं प्रोग्राम, जिसके तहत सो सभी श्रद्धालुओं के साथ को प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। पचम्बा के हटिया रोड में स्थित सिटी स्टाइल व सिटी फैशन में युवतियों, बच्चों और पुरुषों के लिए फैंसी कपड़ों की भरमार है। सिटी स्टाइल में युवतियों के लिए बहुत ही आकर्षक जीन्स टॉप, कैपरी, प्लाजो, गरारा, पैंट, पजामा, स्कर्ट, टॉप, कुर्ती वगैरह उपलब्ध है। वहीं बच्चों के लिए जीन्स शर्ट, टी शर्ट, कॉटन पैंट, डेनिम शर्ट, कोट पैंट, कुर्ता पैजामा। वहीं सिटी फैशन में पुरुषों के लिए स्पार्की, जॉनसन, फ्लू ऑन जैसी कंपनियों के जीन्स शर्ट, टी शर्ट, कोट पैंट, टाई, साफा, बंडी, ट्राउजर, फॉर्मल, पार्टी वेयर शर्ट वगैरह उपलब्ध है। तो सिटी स्टाइल का पता हटिया रोड पचम्बा और सिटी फैशन का पता मेन रोड बगड़िया धर्मशाला के सामने पचम्बा गरडी। सीहोटी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पवित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पवित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में सीहोडी गिरिडीह।